खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल कॉलेज खुलते ही छात्रों का एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो गई है। राजधानी भोपाल के कॉलेज में एडमिशन के नाम पर कुछ दलाल दूर दराज से आए हुए छात्रों से मोटी रकम वसूल करते हैं। अपने ही क्षेत्र के छात्रों का एडमिशन करा रहे सरवरे आजम का राजधानी भोपाल में अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण के बाद उसे छोड़ने की मोटी रकम मांगी जाती है। सरवरे आजम, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है, अपनी जान की कीमत 50,000 रुपए नगद देकर अपने आप को छोड़ते हैं। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट की जाती है। पुलिस द्वारा आरोपियों को ढूंढकर पकड़ लिया जाता है, लेकिन अभी भी दो आरोपियों में फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्दी दोनों आरोपी भी पकड़े जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सरवरे आजम पर दबाव बनाने के लिए आरोपी बिहार के एक यूट्यूब चैनल पर अपनी खबर अपलोड कर आता है। सरवर ए आजम, जो कि राजधानी भोपाल में पढ़ रहा है और अपने क्षेत्र बिहार के कई बच्चों का एडमिशन कराकर उन्हें भी पढ़ने की नई राह दिखा रहा है। कॉलेज चालू होते ही एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। बिहार के रहने वाले सरवर आलम, जो कि अपने ही क्षेत्र के कई बच्चों का अभी तक एडमिशन करा चुके हैं, इन पर आरोप है कि ये फर्जी एडमिशन कराते हैं। आइए हम जानते हैं इनसे क्या पूरा मामला। जी बताइए, क्या है मामला? आपने कितने लोगों का अभी तक एडमिशन करा चुके हैं? पहले तो मैडम, मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम है सरवर आजम, मेरे फादर्स का नाम है मोहम्मद कलीम, और मेरे पे जो आरोप लगाए हैं वो अबुल हसन और दरवेश आलम ने लगाया है, जो कि झूठा आरोप है। दरवेश आलम का मैं एडमिशन करवा चुका हूँ, मेरे पास एडमिशन स्लिप भी है, और ये इन लोगों ने इनका सब 5 अक्टूबर को मैं एडमिशन करवा चुका हूँ दरवेश आलम का। दरवेश आलम का जो दोस्त है अबुल हसन और नदीम बेतिया ज़िले का रहने वाला है। दरवेश आलम सिवान ज़िले का है, अबुल हसन गोपालगंज ज़िले। ये दरवेश आलम अबुल हसन और नदीम के साथ मिलके मेरा अपहरण इन लोगों ने करवाया 29 मार्च 11:30 बजे के आसपास। इसलिए इन लोगों ने करवाया क्योंकि 12 मार्च को 20,000 रुपये दरवेश आलम से, जो इसके पास कम पड़ रहे थे एडमिशन में, वो मैंने दिए थे, वो मैं मांग रहा था, तो ये गाली गलौज कर रहा था। वो लेने के लिए लेन देन करने के लिए वो जो लेन देन था उसी मैटर में वहीं ये मैटर हुआ है। अबुल हसन जो है भोपाल का सबसे बड़ा दलाल है, और उसी के बोलने पे ये दरवेश आलम और अबुल हसन ने, जब ये मेरा पैसा वापस दे दिया, दरवेश आलम अबुल हसन ने मिलके नदीम के साथ मेरा अपहरण करवाया था भोपाल के लोकल लड़कों को। इसकी आपने कंप्लेंट की है क्या? मैडम, मैं जब अबुल हसन 13 या 14 मार्च को फ़ोन आया था तो मैं थाने में गया था कंप्लेंट करने, आवेदन देने, कोई मेरा आवेदन नहीं लिया, तो मैं हबीबगंज मैं ACP सर के पास गया हूँ, वहाँ आवेदन हुई है। अबुल हसन की 10.5 मिनट की रिकॉर्डिंग भी है, उसमें दरवेश आलम से इसने ये बोला है कि इसका मैं सेटिंग करवाता हूँ, तो उसने बोला हाँ आप सेटिंग करवा। उसी दिन रात को 9 बजे 13 और 14 मार्च को मेरे को 20-25 लड़के नदीम, जो बिहार का अभी बेतिया ज़िले का है, जो 19 तारीख को जेल से छूटा हुआ है सेंट्रल जेल से भोपाल से, वो लड़के लेके आया था, और इन्हीं लोगों ने मिलके मेरा अपहरण करवाया है। आपका अपहरण हुआ, फिर कैसे छूटे आप? क्या कुछ उन्होंने आपसे रकम मांगी है या क्या करा है तब आपको छूट? ये पूरा खेल भोपाल का जो सबसे बड़ा दलाल है अबुल हसन, वो और दरवेश आलम नदीम बिहार वाले के साथ मिलके करवाया है। इन लोगों ने भोपाली लड़कों को 1,20,000 रुपये का बोल के, उनको लालच दे के, मेरे को 2 पिस्टल सटा के इन लोगों ने उठा ले गए, रात को रखा, रात भर मेरा फ़ोन छीन लिया था, मेरे को मारे भी, धमकाए भी, और इन लोगों ने 51,500 रुपये मेरे से ले लिए, और जो कि 25,500 मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं। और अबुल हसन का एक BAMS का भी एडमिशन का पैसा इसने 2-3 साल पहले लिया है, 4.5 लाख रुपया, और ऐसे 20-25 लड़के हैं जिसका फर्जी डिग्री बनवाता है ये, फर्जी डिग्री के नाम पे किसी का 2 लाख, किसी का 1,60,000 रुपया लेके बैठा हुआ है। जो लड़के इसके खिलाफ बोलते हैं, या तो उसको ये उठवा लेता है, मतलब अपहरण करवा लेता है, या तो डरा धमका के भोपाल छोड़वा देता है। आपने पुलिस कंप्लेंट की है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? पुलिस कंप्लेंट मैंने की है, मैंने FIR किया, आवेदन दिया है CSP साहब को, कमिश्नर साहब को, थाने में DIG मैडम को, पुलिस जांच कर रही है,
और ये लोग मीडिया में आके 3-4 दिन पहले अभी जो बोले हैं मेरे खिलाफ़ कि मैं फर्जी हूँ या जो भी है, वो अपने बचाव के लिए ये बोल रहे हैं। और अबुल हसन को 7 अप्रैल को रात बजे पुलिस उठाने पकड़ने भी गई थी। ये घर छोड़ के भाग गया था दौड़ के, उसके बाद ये बिहार भागा हुआ है। अभी तक ये भोपाल नहीं आ पाया है और दरवेश आलम भी यहाँ से फरार है। अब आप क्या चाहते हैं पुलिस से कि इन दोनों को कब तक? मैं ये चाहता हूँ मध्य प्रदेश शासन से और अशोका गार्डन की थाना से और पुलिस से कि मेरी मदद करे, और जांच चल रही है, मेरे को पुलिस पे पूरा भरोसा है। और ये अबुल हसन, दरवेश आलम, बाकी जितने भी फरार हैं सबको पकड़ के मेरे को इंसाफ मिलेगा। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग न्यूज़ जो बोले हैं न्यूज़ में फ़र्जी हूँ, ये लोग फर्जी हैं, अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अबुल हसन भोपाल का सबसे बड़ा दलाल है, उससे बच के रहे सारे लड़के। और कैसे कैसे बचाएंगे ऐसे छात्रों को जो आपके क्षेत्र से आते हैं और ऐसे दलालों से हाथ में लग जाते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अबुल हसन जो है भोपाल का सबसे बड़ा दलाल है, और ऐसे 20-25 लड़के हैं जो मेरे को बताया इन लोगों ने। 2015 में भी ये 83 बच्चों का मैंने पता करवाया, 83 बच्चों का ये 30,000 बोल के 50 पे एडमिशन करवाया था किसी कॉलेज में, और 20 लाख का घपला किया था। इसका यहाँ 28 लाख रुपए के फ्लैट है, और ये जो बोला है कि मैं एक एडमिशन काउंसलर हूँ, ऐसा 20-25 हज़ार एडमिशन काउंसलर की तनख्वाह होती है। ये ऐसा करके क्रेटा गाड़ी और 28 लाख की फ्लैट नहीं ले सकता है, ये 2 नंबर काम करता है, बिल्कुल डिग्री का पैसा खाता है। और मैं यही बोलना चाहूँगा बिहार के सारे बच्चों से कि इससे अबुल हसन जो है इससे बच के रहे और इसके पास न जाए, ये भोपाल का बहुत बड़ा दलाल है। तो बिहार से आने वाले बच्चों का मोटी रकम लेकर एडमिशन कराने वाले दलाल को ये जल्द से जल्द पकड़ाना चाहते हैं। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।